आज पता नहीं क्यों अंकिता का मन एकदम से डर गया, क्योंकि फिर से उसके स्कूल में पिकनिक जाने की बात चल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मना करे या ना करे, क्योंकि जब वो पिछली बार स्कूल में उसके पिकनिक जाने का समय आया तो सारे के सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। अंकिता खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ, हम सारे दोस्त मिलकर चलेंगे पिकनिक पे। अंकिता और उसके दोस्तों की टोली तैयार हो गई, सब के सब बस में बैठ गए। बस निकलती जा रही थी, बहुत ही सुना साना जंगल, बहुत ही सन्नाटे भरी आवाज़ें। उधर से अंकिता की बस धीरे धीरे निकल रही थी, अचानक से बस रुक गई। सबने सोचा कि आखिर इतनी रात को हुआ क्या। बस का ड्राइवर बाहर निकला, उसने बस को चारों ओर से देखा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। जब वो आगे गया तो उसने देखा बस का टायर फट चुका है। उसने सबको कहा सारे के सारे बच्चे बाहर निकल जाएं, क्योंकि बस का टायर फट चुका है और जैसे ही बस का टायर फटेगा मैं उसे तुरंत बदल दूंगा। आप सब जाके पास के वहाँ ढाबे पे बैठ जाइए कुछ देर के लिए, ताकि मैं बस को ठीक कर सकूँ। सब ने कहा चलो ठीक है। सारे के सारे बच्चे उस ढाबे में गए। जब वो गए तो वहाँ देखा एक आदमी चाय बना रहा था। उन्हें देख के यह बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को कौन चाय बनाता है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। उस आदमी ने कहा बैठो, मैं तुम लोग के लिए चाय बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस अक्सर ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ रात भर चाय बनाता हूँ। इतना सुनते ही सारे बच्चे डर गए, फिर भी उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया। तभी अंकिता ने उस दुकान के ऊपर देखा, उसकी नज़र अचानक बात करते करते ऊपर गई। उसने देखा चार ओर सन्नाटा है, पता नहीं क्यों उसे उस ढाबे पे कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी उसे अचानक उस ढाबे के ऊपर एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत दिखी। उसने देखा वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, उसके दांत बाहर निकले हुए थे, बहुत ही गंदी दिख रही थी वो। अंकिता बहुत ज़्यादा डर गई, उसके मुंह से आर्ट निकलने लगी, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे चाय पी और किसी से कुछ भी नहीं कहा। सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी बातों में मगन थे, किसी का ध्यान उस बुढ़िया पे नहीं जा रहा था जो कि उस छत पे बैठी थी। तभी अचानक जंगल से जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। उस घर चाय की दुकान से निकल के एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, वो भी देखने लगा आखिर ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। उसने कहा बच्चों तुम डरो मत, अगर तुम इन आवाज़ों की ओर ध्यान दोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये आवाज़ें हमें कभी चैन से जीने नहीं देती हैं। तुम उन आवाज़ों की ओर ध्यान बिल्कुल मत देना। तभी अंकिता ने देखा तीन बच्चे उसकी दुकान के पास खड़े हैं और बहुत ही गंदे हालात में हैं। उन्हें देख के अंकिता काफ़ी ज़्यादा डर गई। सारे के सारे बच्चे जंगल में बैठ के पढ़ रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जंगल में क्या कर रहा है और ये भी रात को 3 बजे। फिर भी उस बूढ़े आदमी को बुलाया गया, उस बूढ़ा आदमी भी गया, उसने भी देखा, उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। सब के सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक अंकिता का ध्यान हटा और जैसे ही हटा बस की हॉर्न की वजह से बस ठीक होके आ चुकी थी। बस का ड्राइवर टायर बदल के आ चुका था और सारे बच्चों को बोला जल्दी से आके सारे लोग बस में बैठ जाओ, क्योंकि अब हमें बहुत देर हो रहा है, हमें तुरंत निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी रात काफ़ी हो चुकी है और हम तुरंत निकलते हैं। इतना कहने के साथ ही सारे के सारे बच्चे बस में आके बैठ गए और बस अपने सुबह सुबह यात्रा की ओर निकल चली। सारे के सारे बच्चे बैठे रहे, पर किसी ने किसी से बात नहीं, क्योंकि अंकिता बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अंकिता की वजह से और उस जंगल की आवाज़ की वजह से सारे बच्चे और भी ज़्यादा डरे हुए थे। तभी से अंकिता का सिर घूम रहा था कि आखिर वो इस नए पिकनिक के लिए मना करे या ना करे, क्योंकि उसकी जाने की तो इच्छा थी मगर उन डरावनी यादों के साथ वो नहीं जाना चाहती थी। इसलिए हमें इस गाने से यही शिक्षा मिलती है कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना